नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम नमः विष्णुदाय कृष्णाय धर्म प्रेमी हरि भक्तों माताओं बालकों बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है और धन्यवाद। जब कोई कष्ट हमारे ऊपर आता है तो हम बड़े दुखी होते हैं। हम एक बात को भूल जाते हैं कि जो कष्ट मेरे को आ रहे हैं वो सब मेरे ही कर्मों का फल है। कष्ट जो है हमारे कर्मों का फल है जिससे हम लोग समझते नहीं। हम सोचते हैं ये आदमी मेरे को कष्ट दे रहा है ये कष्ट दे रहा है ये दे रहा है। असल में अगर किसी में किसी को कष्ट देने की शक्ति हो इसका मतलब फिर भगवान से वो बड़ा है। अगर कोई किसी को कष्ट देने में निमित्त बनता है पीछे भगवान की भी अनुमति होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने नृसिंह भगवान को कहा था। जब भगवान ने कहा वर मांगो बोला प्रभु आप जब मिल गए तो और क्या चाहिए। एक ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। हम लोग जो भौतिक वस्तुओं के पीछे जाते हैं और नश्वर वस्तुएं भौतिक सब नश्वर हैं और भगवान को भूल जाते हैं। बोला बर मांगो तो बोला बर क्या मांगना है अभी। लेकिन बार बार कह रहे हैं भगवान कहते अच्छा फिर देना ही है मेरे पिता को क्षमा कर दो। बड़ा अपराधी था आपके चरणों में उसने बड़े अपराध किए कि उसने तो इतना कष्ट दिया आपको मारने का प्रयास किया बहुत कष्ट दिया। कहते कौन किसको कष्ट देता हो मेरे ही कर्म थे। निमित्त बन रहा है हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज कहते मेरे ही कर्म थे। ये है समझ। इसलिए कहा है करनी करत क्यों डरत क्यों करके पछताए भोए पेड़ भबूल के आम कहाँ से खाए। जब कोई कर्म करता है तो डरता नहीं और सोचता भी नहीं कि ये कर्म नहीं मुझे करना चाहिए था। जब कर दिया तो हर कर्म हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी काम करें आप ऐसे हाथ करोगे तो हवा को आप स्पर्श कर रहे हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो जब हमने बुरे कर्म किए
प्रतिक्रिया भी बुरी होगी उसकी, अच्छी थोड़ी होगी। लेकिन कर्म हम बुरे करते हैं और प्रतिक्रिया अच्छी चाहते हैं, रिएक्शन अच्छा चाहते हैं, ये कैसे होगा? इसलिए कृपया सभी याद रखो, जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं हमारे ही कर्मों का खेल है। जैसे वो नारद जी कहते हैं, कुटम कबीला बेटा बेटी, तेरा कुटुंब और तेरा कबीला और तेरी बेटा और बेटी सब अपने कर्मों की खेती, ये तेरे कर्मों की खेती है। जो तू बोएगा वही पैदा होगा। बोए पेड़ भबूल के, करनी करत क्यों डरत क्यों करके पछताए, बोए पेड़ भबूल के तू आम कहाँ से खाए। जब भूल के पेड़ तू जमीन में बोएगा यानी कि बुरे कर्म करेगा, उस पर आम थोड़े लगेंगे। भूल में कांटे होते हैं, कांटेदार भूल लगेगा। इसलिए भक्त कभी सुख भी नहीं मांगता। क्यों? कहा है सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर गिरे जिसके आने से मैं भगवान को ही भूल जाऊं, नाम हृदय से जाए। बलिहारी ऐसे दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुखी में बलिहार जाऊं जो बार बार भगवान का सेवन करवा रहा है। तो भक्तों ने तो दुख मांगे, और भक्त शिरोमणि पांडवों की जननी माता कुंती, उसने तो भगवान से दुख मांगे, सुख नहीं मांगा। जबकि वो जानती थी कि कृष्ण मेरे भाई के बेटे हैं, पर ये लीला है इनकी, ये तो त्रिलोकी नाथ है। कुंती माता ने दुख मांगे भगवान से, सुख नहीं मांगा। कहता जब भी सुख आए दुख आए हमको, आप आगे रक्षा करने के लिए। द्रौपदी माता पर कष्ट आया, भगवान आ गए वहां पर। पांडवों को जहर दिया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। उनको जिंदा जलाने की कोशिश की, महावीर भगवान ने रक्षा की। इसलिए भक्त कभी सुख नहीं चाहता। तो हम दुख में दुखी होते हैं, दुख में दुखी नहीं होना। दुख जो आते हैं वो भी भगवान की कृपा होती है, दुख भी भगवान की देन है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुख हो जा दुख, चाहे हंसी हो जा गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। सुन रहा तुम क्या कहा? ये है भक्तों की समझ, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। तो ये है समझ। तो भक्तों को उनकी अंडरस्टैंडिंग हाई हो जाती है। बस भगवान के संपर्क में आने से, भक्ति करने से उनकी समझ ठीक हो जाती है। लेकिन संसार के लोग जो हैं, करनी करते समय तो सोचते नहीं, लेकिन जब उसका दंड मिलता है तो। हम अफ्रीका में थे,
तो अफ्रीका से पहले हम प्रभुपाद जी के साथ रहे, प्रभुपाद जी ने मुझे अपनी एक घड़ी दी, पहनी हुई घड़ी। तो एक घड़ी साज था, उसकी जान जान पहचान थी, हम उसके बारे में ठीक कर दे। मैं जाके उसके पास खड़ा रहता था, घड़ी मेरी उसने ठीक नहीं की। मैंने यार ऐसे ही दे दे तुम, मैं किसी और से ठीक करवा लूँगा, वो मेरे लिए बड़ी प्रभुपाद जी की दी हुई घड़ी है वो। उसने घड़ी दे दी मेरे को, जब मैं जाता उसके पास खड़ा रहता था बड़े समय तक, क्या देखा, गरीब लोग आते थे बेचारे, अफ्रीकन लोग, ऐसा बुरा व्यवहार उसका है। वो भी आत्मा है, कोई कहे मेरे पास 10 शिलिंग कम है, हे क्या पूरा पैसे दो, तो गरीब बेचारे चले जाते थे। मुझे बड़ी तरस आती थी गरीबों पर, भाई देखो कैसा व्यक्ति है, कितना इसके दिल में दया नहीं है। ऐसे लोगों को भी भगवान सुधारते हैं, पर वो इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि वो वक्त नहीं है, उनकी समझ बिगड़ी रहती है। हुआ क्या कि उसके घर में एक लड़का हुआ, हो गया 2-2.5 साल का हो गया होगा, घुटनों के बाल चलने लगा बच्चा। तो एक दिन वो बच्चा घुटनों के बाल चलता चलता किचन में चला गया। किचन में जब चला गया तो माँ ने दूध उबलना चढ़ा रखा था उस घड़ी साज की पत्नी ने। उसने क्या किया, दूध सारा उठा क्या अपने ऊपर डाल दिया, बच्चा जल गया पूरी तरह से, उबलता हुआ दूध डाल दिया। अरे वो कोस रहा है भगवान को, क्यों किया मेरे साथ भगवान, भाई तेरे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त बना कर्म तूने कितनी आत्मा को दिखाया, अभी तेरी आत्मा कितनी दुख रही है। मेरे को कहे मैं नहीं मानता भगवान को, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं मन में सोचूं भाई तूने कितनी आत्मा को सताया है। इसलिए प्रभुपाद अहिंसा की परिभाषा बता रहे हैं, हिंसा और अहिंसा। हिंसा मतलब ये नहीं कि किसी का गला काटना ही वो ही हिंसा है, किसी के दिल को दुखाना वो भी हिंसा है। लिखा है प्रभुपाद ने, बेमतलब किसी के दिल को दुखाना, गरीबों पर दया नहीं करना, ये भी हिंसा है। अहिंसा मतलब किसी के दिल को नहीं दुखाना। हम किसी के दिलों को दुखाते हुए तो सोचते नहीं, जब उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है फिर सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया भगवान। याद रखो भगवान जो है किसी को कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं हमारे कर्म करते हैं। इसलिए वैसे तो हमने कर्म करने ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ से आए नहीं, हम सब लोग बस यहीं पर नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक ए परमानेंट होम इन ए टेम्पररी सिचुएशन। यह सब कुछ टेम्पररी है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, ये याद रखो। बार बार इस मलिन मन, मन मलिन है ना, इसको समझ नहीं आता। अभी हम जैसे एक भजन सुनाया फिर सुना देते हैं। पैसा आदमी को बहुत अच्छा लगता है, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ फिर भी तृष्णा धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रगी।
बारादरी कहते हैं बड़े मकान को जिसमें बहुत दरवाजे हैं। शीश महल पर एक स्त्री कड़ी श्रृंगार बनाने को, शीश सुरमा दानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को, एक ही झटका लगा मौत का हाथ में सुर में दानी रही, एक ही धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारादरी रही, सुरमा लगा रही है लेकिन झटका लगा है उसके प्राण निकल गए। कई घटनाएं घटती हैं। एक बार मैंने एक एक्सीडेंट देखा चंडीगढ़ में, मेरे मंदिर के बाहर ही एक ट्रक वाले ने एक साइकिल वाले को कुचल दिया, उसके सर के ऊपर से ट्रक चल गया बेचारे के। तो क्या देखा उसके हाथ में सिगरेट फंसा हुआ था, उसके हाथ में सिगरेट वैसे ही हाथ में है, उम्र क्या है। तो ये भाई नश्वर शरीर है, संत महात्मा समझाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान की निष्काम भक्ति नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। भगवान अगर हमारे पर प्रसन्न होंगे तब बातें समझ आएंगी। तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे हैं? निष्काम भक्ति कोई कामना नहीं। सैर करन को एक बाबूजी, सैर करन मोटर पर सवार हुए, मोटर अभी चलने नहीं पाए थी बाबूजी ठंडे ठार हुए, देखो तमाशा अजब मौत का सड़क पर टम टम खड़ी रही, देखो तम सड़क पे टम टम धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रखी। पैन पोशाक बांध कर साफा हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया सेठ थड़े पे लेट गए, कूच कर गया लिखने वाला कलम कान पर टंगी रही, कूच कर गया धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रही, धरे मतलब देखो। एक मैंने ये घटना देखी अपने टाइम में, पुरानी घटना है उधमपुर की। एक सेठ था, सदियों का टाइम आया तो वो एक ट्रक लकड़ियों का खरीद लिया उसने पैसे वाला। तो वो ट्रक वाले से जहाँ पर उसकी लड़की ब्याही हुई थी, जिस घर में ब्याही जो है उसकी लड़की का ससुर, उसकी दुकान में बैठकर ट्रक वाले के साथ हिसाब कर रहा था कितने पैसे हुए, कितनी लकड़ियाँ थी, कितना कर। वहीं उसको हार्ट अटैक और वहीं दुकान में ही मर गया। क्या जीवन का भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ना कोई भरोसा है ना करना चाहिए। ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा वो शाश्वत है।
हम इस शरीर में आत्मा का उत्थान करने के लिए आए हैं, ना कि नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए आए हैं। जैसे उर्दू के शायर ने कहा है ना, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी को अपनी मौत का पता नहीं, सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं, सौ बरस का समान लेकिन पल की खबर नहीं। एक बार हम इंग्लैंड में थे तो वहाँ पर एक मिला हमको, वो कहता है जी आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैंने वो कैसे भाई, पूर्ण रूप से सुरक्षित तो कोई देखा नहीं आज सिवाय इंदिरा गांधी के, तू कैसे सुरक्षित है? कहते घर का, वहाँ घर किसी का अपना नहीं है, मॉर्टगेज होती है, बैंक से पैसे लिए होते हैं जो कि 50 साल 60 साल तक देने पड़ते हैं, बैंक पैसे लेता है। कहते मॉर्टगेज मेरी ख़त्म हो गई है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, घर मेरा अपना है, कार मेरे पास है, मैं सुरक्षित हूँ। पर मूर्ख को ये पता नहीं था थोड़े समय के बाद ही वो जाने वाला था। लोग सोचते हम सुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस दुनिया में। इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, तू बंदे इशारा, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जो सुख प्रभु भक्ति में है ना वो कहीं नहीं, क्योंकि हम प्रभु के हैं, हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं, लेकिन आज उनसे अलग हो चुके हैं। अभी पुनः हमने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है बस। इसलिए इस भजन में कहा है दास कहे सुनो रे भाई, दास दुनिया के झगड़े फसाद तजो, रहने दो दुनिया की बातों को है, अब तो मुख से हरि नाम जपो,
सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल झड़ी रगी, फूल झड़ी धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा दरी रगी। दास कहे सुनो रे भाई, अब दुनिया के झगड़े साथ छोड़ दो, रहने दो दुनिया की बातों, अब तो मुख से हरि नाम जपो, भगवान का नाम जपो भाई। सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल जड़ी रही, बाग में सदा फूल नहीं खिलते और सदा फूल जड़ी, मतलब सदा पत्ते जड़ते नहीं रहते, पतझड़ जाता, पत्ते गिर जाते हैं वृक्षों के, तो दुख के बाद सुख भी आता है। हमें केवल भक्ति चाहिए भगवान की। और याद रखो, और इस बात को बार बार अपने मन में लाओ, मन तो भूल जाता ना, क्योंकि इसको आदत पड़ गई है बुराइयों की, ये बड़ा दूषित हो चुका है, बड़ा गंदा हो चुका है। बार बार इस मन को याद दिलाओ भाई, जीवन का उद्देश्य तो बस भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को मिलना है, और कुछ नहीं है, जीवन का यही उद्देश्य है। तो बार बार अगर याद दिलाएंगे ना, एक बात और मैं आपको कहूँ, ये जो हमारा मन है ना, एक पशु की तरह है। क्या है? जानवर है। ये जानवर जो हैं, एक आदमी के पास 12 पशु हैं, और एक नया पशु खरीद के लिए आता है, वो 12 पशुओं की अपनी अपनी जगह है, जो नया खरीद के लाता है उसके लिए नई जगह निर्धारित की है। तो वो जो नया पशु 13वां पशु खरीद के लाया है उसके लिए वो नई जगह है, 12 पशुओं वाली, उसके लिए भी एक जगह वो निर्धारित कर देता है। दूसरे दिन वो पशुओं को खोलता है चरने के लिए, घास चरने के लिए। पशुओं को जब खोलता है तो 12 पशु तो इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है वहीं रहने की उस झुंड के साथ। वो नया वाला कभी इधर भागता कभी इधर, तो उसका मालिक डंडे से उनको उनके साथ रखता है, इधर उधर नहीं भागने देता उसको। जब वो चर करके घर में आते हैं वापस, बाकी 12 पशु अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, उनको पता है हमने यहाँ खड़े होना है। लेकिन जो 13वां पशु है, कभी इधर भागता कभी इधर भागता है, उसका मालिक कान से पकड़कर जो नई जगह उसके लिए, जो जगह उसके लिए निर्धारित की है, वहाँ आकर उसको बांध देता है। को 5-10 दिन वो परेशान करता है, फिर वो समझ जाता है मेरी जगह यही है। इसलिए इस पशु को बार बार कृष्ण के चरणों में लाओ, बस ये इधर उधर भागता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इसकी जगह तो कृष्ण के चरणों में है। मन को समझाना है, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण मन, सिया राम के चरण राधे श्याम के चरण, सी रघुनंदन के चरण यदुनंदन के चरण, रघुनंदन के चरण दीन बंधु के चरण, रघुनंदन के चरण दीन बंधु के चरण,
मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सिया राम के चरण राधे श्याम के चरण। अच्छा भगवान के चरणों को क्यों याद रखना है कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, किसी को नहीं पता? डंपी तू बता। भगवान के चरणों के कुछ कमाल हैं। जिन चरणों से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, जटाशंकरी नाम प्रयोग है त्रिभुवन तारण आई। ब्रह्मादिक चरणोदक ले में जनमन मुक्ति पाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। मना सिया राम के चरण राधे श्याम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। भगवान के चरणों का एक और कमाल क्या? गौतम नारी अति सयानी राम चरण लौलाई। जन्म जन्म के संकट काटे कृष्ण कृपा करी रघुनाई। कृपा करी भगवान के चरणों का कमाल के गौतम नारी जो है अहल्या वो पत्थर श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, जाओ तो पत्थर बन जाओ तुम। तो पत्थर बन के पड़ी रही वहाँ पर। रामचंद्र ने जब अपना चरण स्पर्श किया तो उसको अपना स्वरूप मिल गया और धाम को चली गई। और भगवान के चरणों का कमाल, भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। पावन चरण भरत सिर धारे जनक सुता उरुलाई। भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो बिन मोल बिक जाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सिया राम के चरण राजा राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। बस इस मन को यही समझाना तो भगवान को मत भूल भाई, कृष्ण के चरणों को राम के चरणों को मत भूलो।
कृष्ण भक्त है तो कृष्ण के चरणों को याद रखो, राम भक्त है तो राम के चरणों को याद रखो, दोनों मुक्ति के जाता है। लेकिन कृष्ण रूप में भगवान टोनी विशेष लीलाएं करते हैं, गौलोक धाम में भगवान बंसी बजाते हैं, रास रचाते हैं, वहाँ पर गौएं चुराते हैं, गौलोक धाम ही गौओं का धाम है वो। कुछ विशेष बातें गौलोक धाम में है, बंसी वादन होता है वहाँ पर, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बजे धीरे धीरे, ओ यमुना के तीरे बजे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मथुरा उत में उत गोकुल नगरी, इत मथु उत गोकुल बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मथुरा और उत वृंदावन, इत बीच में गाइया चरे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में मन सुख उत में धन सुख, इत बीच में काना चले धीरे धीरे, बीच श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में ललिता और उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कंदवा के वन में झूला परो है, उस पैखाना झूले धीरे धीरे, उस पैराधा झूले धीरे धीरे। अभी आखिरी शब्दों को याद रखो, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे,
देखो सदा शाम का, सदा राम का चिंतन करो, शाम का चिंतन करो। सीता राम भजो राधे श्याम भजो, राधे क्यों जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। से जाना ये बात याद रखने की है, कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना। काल ने सबको एक दिन खाना, काल ने सब, इसलिए सीता राम भजो राधे श्याम भजो, जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जिनके लाखों भरे थे खुजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले झड़े द्वारे, महल सूने पड़े, बन वीराना बन वीर, आज दुनिया में उनका निशाना। उधमपुर के पास एक जगह है चनैनी, वहाँ का भी एक राजा था, कहते पता नहीं 55 जनरेशन वहाँ राज किया। वो महल, महल देखने गए हम, बड़ी कीमती लकड़ी लगाई थी उसमें, वो महल अभी खंडर हो गए हैं सब, लोग लकड़ियाँ काट काट कर ले जा रहे हैं और बंदर रहते हैं, बंदरों का निवास है अभी। समय था कि कहते थे अगर कोई हरिजन महल के पास से गुजरता उसको जूते हाथ में पकड़ के जाना पे महल राजा का, इतना आंतक था। और वो वहाँ का राजा, आखिरी राजा, इतने बुरी तरह से मरा, ओहो बुरी हालत उसकी, कर्म खराब, लोगों को बड़े कष्ट दिए थे। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, उनके मरघट पे आसन बिछे हैं, ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबका दुनिया में दो दिन का ठिकाना, सबने जाना, सबका दुनिया सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीता राम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना,
भाइयो दुनिया मुसाफिर काना, आखिर में शिक्षा है भजन के, जाना एक दिन सबने है। देवता भी तरसते हैं जिनको, बै मिला जन्म मानुष का तुझको, आशा संसार की, आशा संसार की, तज के करतार की, शरण जाना, देखना धोखा देना जमाना, देखना के जमाना तेरे को धोखा ना दे दे। अनमोल जीवन को अब ना गवाना, अनमोल जीवन को अब ना गवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में लीन, ऐसा भगवान में, ऐसा भगवान में, ना भुलाना सुबह शाम हरि गुण गाना, ना भुलाना सुबह शाम हरि गुण गाना, सीता राम बजो राधे श्याम बजो, राधे श्याम जग से जाना, भाइयो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना एक बार एक हम बड़े ऑफिसर के घर में प्रोग्राम कर रहे थे। अरे बड़ा आंखें खोल, बंद क्यों करता है? बड़े घर में तो कोई ऐसा ही प्रसंग चल रहा दुनिया के से जाने का। वो ऑफिसर की पत्नी उठ के भाग गई वहां से, कहता मैं नहीं ये सुनूंगी। ऑफिसर कहता नहीं भाई सच्चाई है, कहता मैं तो तंग आ जाऊ, सुनने के लिए तैयार नहीं लोग, तो जब जाने का टाइम आएगा तब क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब हम भजन करेंगे ना भगवान का तो क्या होगा, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परमानंद। सबका धन्यवाद। आरती करके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, दुनिया सारी,
उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो सबका धन्यवाद, कोई प्रश्न किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं। सत्संग चैनल पे महाराज श्री का कार्यक्रम रोज सायंकाल 8:40 से 9 बजे तक आ रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत भक्तों का सहयोग रहा है और आज मैं विशेष तौर पे इस ग्रेस निताई प्रभु इस्कॉन जम्मू से जो हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उनके सहयोग के लिए सभी भक्तों की ओर से। हरे, कोई प्रश्न है? धर्मेंद्र भारद्वाज हैं? धर्मेंद्र भारद्वाज कहाँ से? दिल्ली से। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि ऐसा बताया जाता है कि हम भगवान के धाम में थे, श्री भगवान की भक्ति से विमुख होने के कारण इस संसार में गिर गए, क्या यह सच है? और यह सच है तो ऐसा बताया जाता है एक बार भगवान के धाम में जाने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, फिर यहाँ कैसे आ गए? ये बात सच है, अभी जब हम जाएंगे फिर नहीं वापस आएंगे, क्योंकि हमें अनुभव हो गया भगवान से अलग होकर के जन्मने के चक्र में पड़े, इतने कष्ट उठाए, अभी जाके वापस नहीं आएंगे, पर एक बार हमसे गलती हो गई है। और भरद्वाज जी, आपको पता है कि भौतिक जगत कितने हैं? अगर एक राई का बोरा आप भरो सरसों की, सरसों का बोरा भर दो, जितने सरसों के दाने हैं इतने भौतिक ब्रह्मांड भौतिक लोक हैं, राई के दानों को कोई गिन नहीं सकता। पर ये जो भौतिक ब्रह्मांड हैं भौतिक लोक हैं ये आध्यात्मिक जगत के एक चौथाई हैं, तीन चौथाई जो है वो आध्यात्मिक जगत है, एक चौथाई भौतिक जगत है। सत्य बात है, अभी जाके वापस नहीं आएंगे क्योंकि अनुभव हो गया ना, ओहो मैंने गलती कर दी थी, अभी नहीं करूँगा गलती, हम जाएंगे तो भगवान के पास ही रहेंगे। किरण शर्मा माता लखनऊ से, महाराज किरण शर्मा को जानती हो तुम? किरण शर्मा माता का कांटेक्ट लो, अच्छी माता है ये जी। महाराज जी, कुछ लोग माला के साथ कथा सुनते हैं, क्या यह सही है? एक माता हमारे पास भी है, अभी माला के साथ कथा सुनती है, चुप चुप के छुपा के रखती है माला को, पता नहीं लगता कि माला फेर रही है या नहीं फेर रही है। तो
डिपेंड करता है हमारे किरण महाराज का दो मन हैं, हम जब कथा में बैठे हैं तो एक मन हमारा कहीं चला जाता है, तो कथा में बैठे एक मन अगर हरि नाम में लगा रहे, एक कथा सुनने में लगा रहे, बस अच्छा ये है कि कथा ध्यान से सुनी जाए, एक ही मन से कथा सुनी जाए वो अच्छा है। हाँ बोलो, चलो। सारिका माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कब हम हृदय से भक्ति करेंगे? और मैं भी कृष्ण से हृदय से भक्ति करना चाहती हूँ, मगर कब ये भाव आएगा, कृपा करें गुरुदेव। ये धीरे धीरे आएगा सारिका माता, चुटकी बजाने से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लगे रहो। कलियुग के जो पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, नित्यानंद दया के सागर हैं, अद्वैत आचार्य बहुत दयालु, गदाधर श्रीवास ठाकुर सब दया की मूर्ति, इनके चरणों में प्रार्थना करो। ये हम कलियुग के पापियों को उद्धार के लिए ही आए हैं, इनके चरणों में प्रार्थना करो तो जल्दी भी हो जाएगी। ये हमारी भक्ति पर निर्भर है, हमारे समर्पण पर निर्भर है। शीतल माता वर्जीनिया अमेरिका से, हरे कृष्ण महाराज जी, चित्रगुप्त द सन ऑफ ब्रह्मा टेक्स नोट्स ऑफ ऑल पीपल एक्टिविटी, गुड और बैड, इज दिस मेंशन्ड एनीवेयर इन श्रीमद् भागवतम, एंड इफ यस, वेयर इन द भागवतम इज दिस मेंशन्ड, एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ चित्रगुप्त, एंड व्हाट डज ही डू, एंड वेयर डज ही रिसाइड्स? आई डू नॉट नो मच ऑफ दिस सब्जेक्ट, प्लीज टेल मी अ लिटिल ऑन दिस, हरे ऐसा है शीतल माता, कोई इस पर चर्चा तो नहीं की, भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं तेरे को। पितृलोक है, पितृलोक में यमराज धर्मराज निवास करते हैं चित्रगुप्त के साथ, और मरकर पितृ वहाँ जाते हैं। जो लोग अच्छी आत्मा होते हैं उनके लिए वो धर्मराज हैं, जो पाप आत्माओं के लिए वो यमराज हैं। पाप आत्माओं को यमदूत ले जाते हैं और उनका हिसाब चित्रगुप्त रखते हैं। उनके पास बहुत सारे लोग हैं और वो हिसाब रखा जाता है, और ये सब कुछ है। अभी उनसे बचने का प्रयास करो, ये नहीं सोचो वो है ही नहीं तो मैंने कुछ करना ही नहीं, ऐसी बात मत सोचो शीतल माता। वो सब कुछ है जो शास्त्र में बताया है, ये वर्णन है, ये भागवत के कौन सा स्कंद है जिस नरकों का वर्णन, कौन से स्कंद में है? पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक भागवत में बताए हैं, और पंचम स्कंद पढ़ो उसमें सारे नरकों का वर्णन आता है, कौन सा कर्म करने से कौन सा दंड मिलता है, वो पंचम स्कंद में वर्णन है। हरे कृष्णा, तो न्यूयॉर्क से मदन मोहन प्रभु और उनके परिवार ने उधमपुर के गुरुकुल के बच्चों के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न है? हैं? हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद, हरि बोल।